शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। हमारा नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं, तो अब हमें आगे बढ़ना है, कोर्स भी हमें आगे बढ़ाना है। बच्चों, ये जो है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, ये मैं आपको आपके ऑनलाइन क्लास में करवा भी चुकी हूँ, फिर भी आप इसे कई बार पढ़ेंगे और इसे समझेंगे, ये मैं आपसे आपकी ऑनलाइन क्लास में पूछूंगी। ठीक है, बार बार इस चीज़ को पढ़िए, बार बार इसे पढ़ने के लिए है, ये सिर्फ आपके रीडिंग के लिए है। आप इसे पढ़ेंगे, मैं क्लास में आपसे पूछूंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारा नया पाठ शुरू होगा और पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। अधिक बलवान कौन, आपको पढ़ना और सही उच्चारण करना आना चाहिए। इसके लिए आप इस पाठ को कई बार पढ़िए, फिंगर रखिए और मिला मिला कर पढ़ने का अभ्यास करेंगे, जिससे कि ऑनलाइन क्लास में आप अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छे से दे सकें। कहीं पर भी मैं आपको टोकूं नहीं, आप बिल्कुल सही उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इस पाठ के कठिन शब्द। आप अपनी कॉपी पर पाठ का नाम लिखेंगे और कक्षा कार्य लिखेंगे, डेट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे आप नवीन शब्द। ठीक है, नवीन शब्द या फिर कठिन शब्द, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कठिन शब्द। ये बच्चों वो शब्द होते हैं जो पाठ से हमने कुछ आपके लिए लिए होते हैं, हमें लगता है इनका उच्चारण और इनको पढ़ना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो पहला शब्द है हमारे पास बहस, बहस, छिड़, ज्यादा। अब ध्यान दीजिए, बिंदी पर ध्यान दीजिए, ज्यादा, ज्यादा नहीं, ज्यादा। वैसे भी आधे अक्षर वाला है तो इसका उच्चारण हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। फायदा, उच्चारण पे ध्यान दीजिए, फायदा, फायदा नहीं, फायदा। इसी में ही आपके नंबर ऑनलाइन क्लास में कटेंगे, जब आप सही उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, ताकत, टोपी, बंद, अंत, ताकत, दो बार हो गया, कोई बात नहीं। तपने, गर्मी, नमस्कार, नमस्कार का मतलब होता है नमस्ते, प्रणाम। ठीक है, तो इन शब्दों को आपको सही सही पढ़ना आना चाहिए। और हाँ, सबसे खास बात आपके लिए है, आप इस एक शब्द को दो बार और लिखेंगे। दो बार इसलिए लिखेंगे बच्चों, एक बार तो हम देख के लिखते हैं, दूसरी बार में हम यहाँ पर अपना हाथ रख के छुपा सकते हैं और इसे लिख के देख सकते हैं कि हमें आता है या नहीं, और तीसरी बार में तो हमें बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इस काम को आपको याद भी करना है। तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या है, तीन बार इसको लिखिए, ठीक है, याद करिए, पाठ को पढ़िए, और हाँ, इस पाठ से एक पेज सुलेख लिखेंगे कॉपी पर, और पाठ से संबंधित कोई भी एक सुंदर चित्र जो आपको अच्छा लगता है आप उसे अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, नहीं तो आप सूरज और हवा का ही कोई चित्र बना दीजिए। ठीक है, अधिक बलवान कौन, यही कहानी आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आएगी, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस कहानी को पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का काम हमारा इतना ही। ओके बच्चों।